बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, वो हम लोग वीक फोर का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। और वीक फोर में हम देखेंगे कि स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेसफुल स्पीकिंग एंड सक्सेसफुल लिसनिंग, कि जो हमारी ड्यूरिंग स्पीकिंग और ड्यूरिंग लिसनिंग क्या स्ट्रेटजीज होती हैं जिनको हम अडॉप्ट करके अपने स्पीकिंग एंड लिसनिंग का जो प्रोसेस है उसको इफेक्टिव बना सकते हैं या सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो देखते हैं, हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दीज थ्री एस्पेक्ट्स वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक। फर्स्ट वन इज स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूविंग ओरल प्रेजेंटेशंस। नंबर टू, स्ट्रेटजीज फॉर रिड्यूसिंग स्टेज फाइट। नंबर थ्री, स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूविंग लिसनिंग स्किल्स। आज के हम लेक्चर में जस्ट फर्स्ट स्ट्रेटजी जो है इसको कंप्लीट करेंगे। नंबर वन इज स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूविंग ओरल प्रेजेंटेशंस। ओरल प्रेजेंटेशन की जब हम बात करते हैं तो वो प्रेजेंटेशन जो हम ओरली डिलीवर कर रहे होते हैं, जिस तरह से मैं आप लोगों को बोल के पढ़ा रही हूँ, तो ये हमारी ओरल प्रेजेंटेशन है। तो इसके अंदर हम स्टेप्स देखेंगे कि हम अपनी ओरल जो प्रेजेंटेशन है उसको किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर वन, डिटरमाइन द पर्पस। सबसे पहले जब आपने अपनी ओरल प्रेजेंटेशन को तैयार करना है तो उससे पहले आपने ये देखना है कि आपका पर्पस क्या है, आप किस पर्पस के लिए अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिटरमाइन द पर्पस ऑफ योर प्रेजेंटेशन। देयर कैन बी मेनी पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन। टू इन्फॉर्म, आप कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो आपका मकसद क्या है, किसी चीज को इन्फॉर्म करना हो सकता है। टू इंस्ट्रक्ट, किसी चीज की मालूमात देना, कुछ इंस्ट्रक्ट करना, कोई हदायत देना। टू परस्यूट, परस्यूट का मतलब होता है अपनी बात दूसरे बंदे से मनवाना या दूसरे बंदे को अपनी बात के लिए कायल करना। एंड फोर्थ वन इज टू इंटरटेन द ऑडियंस। ये आपका मकसद ये हो सकता है कि आपने जो ऑडियंस है उनको इंटरटेन करना है। तो सबसे पहले आपने अपना पर्पस देखना है, आपका पर्पस क्या है, इंफॉर्म करना है, इंस्ट्रक्ट करना है, परस्यूट करना है या ऑडियंस को इंटरटेन करना है। सेकेंड स्टेप है एनालाइज द ऑडियंस एंड ओकेजन। जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन तैयार करें तो आपने अपनी ऑडियंस को माइंड में रखना होता है, उस इवेंट को माइंड में रखना होता है जिसके लिए आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे होते हैं। क्योंकि जब तक आप लोगों को अपनी ऑडियंस का आइडिया नहीं होगा कि आप स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, टीचर्स के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, क्लरिकल स्टाफ के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं या मैनेजमेंट स्टाफ के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, तब तक आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी नहीं हो सकती। While you are writing or speaking for some audience, you know about them, their age, their occupation, their culture, their psychology. All these can be helpful in a good presentation. जब आप लोगों को आपकी ऑडियंस का सबका पता होगा कि वो किस एज के हैं या किस लेवल के हैं, BS लेवल के हैं, मास्टर्स के हैं, MPhil के हैं, PhD के हैं, तो उसी लेवल पे आप अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो टीचर्स हैं तो आप टॉपिक उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है तो टॉपिक उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया जाएगा, या कोई और क्लरिकल स्टाफ है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना टॉपिक और अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। उनका कल्चर क्या है, उनकी साइकोलॉजी क्या है, इन तमाम चीज़ों को आप लोग अपने माइंड में रख कर फिर ही आप लोग जो है अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। नंबर थ्री है सिलेक्ट द मेन आइडियाज फॉर द मैसेज। आपका जो मैसेज है उसमें मेन आइडिया क्या बयान किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों से कहा गया है कि आप लोग बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर के ऊपर आप लोगों ने प्रेजेंटेशन देनी है, तो आपका मैसेज क्या है, कंप्यूटर और कंप्यूटर में आपने क्या बयान करना है, उसके बेनिफिट्स। सेलेक्ट योर मेन थीम और ऑल योर कोर आइडियाज फर्स्ट। सबसे पहले आपने अपना मेन थीम को सिलेक्ट करना है। Then gather additional information to support those ideas. This will going to organize your speech or presentation. तो जब आपको main idea, main message का पता होगा तो उसके according ही आप लोग जो है अपनी speech को, अपनी presentation को, चाहे वो oral हो या written form में हो, उसको आप तैयार करेंगे। नंबर फोर्थ, रिसर्च द टॉपिक। जब आपने अपनी ऑडियंस को भी एनालाइज कर लिया, टॉपिक को भी फिक्स कर लिया कि आपने किस टॉपिक पे बात करनी है, फिर आप उसके उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हैं, डिफरेंट साइट से, वेबसाइट से देखते हैं, बुक से देखते हैं, सीनियर जूनियर से कंसल्ट करते हैं, तो ये रिसर्च द टॉपिक में ये चीजें आ जाएंगी। यू कैनॉट मेक अ स्पीच विदाउट रिसर्चिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक। देयरफॉर कलेक्ट एसेंशियल डाटा ऑन योर टॉपिक। तो आपके पास आपके टॉपिक से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो जरूर होना चाहिए।
ऑर्गेनाइज द आइडिया एंड राइट अ ड्राफ्ट, आपने एक आइडिया को माइंड में रख लेना है एंड डाटा उसके बारे में उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करना है और उसका फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार कर लेना है. वंस यू हैव गैदर्ड ऑल इंफॉर्मेशन फॉर योर प्रेजेंटेशन टॉपिक, ऑर्गेनाइज योर डाटा एंड राइट अ ड्राफ्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन. अब आपने अपना रिसर्च का टॉपिक जो था वो सिलेक्ट कर लिया, उसके ऊपर रिसर्च कर ली कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ें बतानी है. रिसर्च करने के बाद आप उस मटेरियल को एक बार या तो कंपोज कर लेंगे या रिटर्न फॉर्म में उसको लिख लेंगे, उसका एक फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे या स्केच बना लेंगे कि आपने किस तरह से इसको करना है. योर ड्राफ्ट शुड कंटेन एन इंट्रोडक्शन इन विच यू कैन गिव यूर ओपनिंग रिमार्क्स. जब आप अपना ड्राफ्ट तैयार करें तो सबसे पहले आपने उसको इंट्रोडक्शन देना है ताकि जो आपकी ऑडियंस है वो समझ सके कि आप कहना क्या चाह रहे हैं. योर पर्पस, आपका पर्पस क्या है एंड योर एजेंडा, और आप किस के बारे में बात करना चाह रहे हैं, आपका मेन मोटिव क्या है. देन कम्स द बॉडी विच यू विल इंक्लूड द होल टेक्स्ट टू बी प्रेजेंटेड विद डिस्कशन एंड इन द एंड गिव अ कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन जब आपने दे दिया उसके अंदर आपने अपना टॉपिक बता दिया, आपका पर्पस क्या है इस टॉपिक को लेने का, इसके पीछे क्या रीजन थी, मोटिव क्या था वो बता दिया. उसके बाद आपने उसकी बॉडी बतानी है, इट्स मीन कि उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग बताना चाह रहे हैं वो बताएंगे, और एट द एंड आप उसका कंक्लूजन भी करेंगे कि इसका हमने ये नतीजा निकाला है. सिक्स वन हमारे पास आ जाता है क्रिएट विजुअल एड्स. जब आपने इसका फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार कर लिया तो उसके बाद आप उसका एड्स भी बनाते हैं. एड्स होते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन हेल्पफुल रहती हैं. फॉर एग्जांपल कोई मॉडल तैयार कर लिया, कोई स्केच बना लिया, कोई चार्ट के ऊपर कोई डायग्राम बना ली, तो ये हमारे विजुअल एड्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं. सम प्रेजेंटेशन डू नॉट रिक्वायर विजुअल बट वेर एवर रिक्वायर्ड मेक देम अ पार्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन. तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं प्रेजेंटेशन होते हैं जिनमें तो हमें नहीं चाहिए होता कोई भी मॉडल कोई भी विजुअल एड, लेकिन जहां भी ये रिक्वायर होता है वहां पर आपको तैयार करना चाहिए. इससे आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो ज्यादा इफेक्टिव बन जाती है. विजुअल एड मोर अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट योर मैसेज ऑफ प्रेजेंटेशन. जब विजुअल एड्स आप लोग यूज करते हैं, कोई आप लोग मॉडल बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों से कहा जाए कि आप लोगों ने थ्रस्टी क्रो के ऊपर लेसन डिलीवर करना है या प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप लोग क्या करेंगे कि पहले उस एक गार्डन की फार्म में एक शीट लेंगे, आई थिंक थर्मो शीट कहते हैं उसे, मुझे उसका एग्जैक्ट नेम नहीं याद. वो शीट लेंगे, उसके ऊपर छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी सी घास लगाएंगे और ग्रीन कलर का चार्ट लगाएंगे. उसके बाद आप डिफरेंट तरह के कार्ड चार्ट्स लेकर हार्ड चार्ट लेकर उसमें से एक ब्राउन कलर का हार्ड चार्ट लेंगे, एक ग्रीन कलर का लेंगे, उसकी कटिंग करके वो ट्री बना लेंगे उसका, और ट्री उसके ऊपर आप लगा लेंगे. फिर आप मार्केट से एक कवा खरीदेंगे, फिर छोटा सा घड़ा खरीदेंगे. तो इस तरह से आप पूरा एक गार्डन का सीन देंगे, वहां पर एक कवा भी मौजूद होगा, वहां पर एक घड़ा भी होगा, और थोड़े से आप वहां पर स्टोन्स रख देंगे. तो ये एक इफेक्टिव चीज हो जाएगी जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तैयार करेंगे थ्रस्टिक रो के ऊपर, तो ये विजुअल एड के तौर पर आप बच्चों को बता सकेंगे कि एक बाग था, बाग में कवा था, कवा जा रहा था, उसको प्यास लगी हुई थी, उसने घड़ा देखा, कुछ कंकर पड़े हुए थे, उसने कंकर उठाकर घड़े में डाले, पानी ऊपर आ गया, उसने पानी पी लिया. तो ये एक ऐसा विजुअल एड है जिसके जरिए से स्टूडेंट्स की अटेंशन भी गेन होती है, स्टूडेंट्स की कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, और आपकी प्रेजेंटेशन जो होती है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है. नंबर सेवन है रीरेज द टॉक बिफोर गिविंग द फाइनल डे प्रेजेंटेशन. रीरेज योर प्रेजेंटेशन मेनी टाइम्स. दिस विल गोइंग टू आइडेंटिफाई योर ड्रॉबैक्स एंड विल गिव यू अ चांस टू करेक्ट द मिस्टेक्स एंड मेक इट मच बेटर. अब जब आपने प्रेजेंटेशन देनी है तो अपनी प्रेजेंटेशन देने से पहले आप लोग उसको तैयार करेंगे. किस तरह से तैयार करेंगे, आप लोग खड़े हो जाएंगे इन फ्रंट ऑफ द मिरर, शीशे के सामने खड़े हो जाएंगे, और कोशिश करेंगे कि जो प्रेजेंटेशन आपने देनी है उसको आप एक बार शीशे के सामने डिलीवर करके देखें ताकि कहीं कोई कमी बेशी आ रही है, कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो आप लोग उसको क्लियर कर सकें. नेक्स्ट हम देखेंगे काइंड्स ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन. जब आप ओरल प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसकी कितनी काइंड्स होती हैं, तो इन काइंड्स की तरफ हम जाते हैं. आई होप ऊपर वाला आप लोगों को सारा समझ आ गया होगा. तो काइंड्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक्सट्रीम पोरोनियस प्रेजेंटेशन. इन दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन द प्रेजेंटर राइट्स
his her main points on a card and by looking at those points he speaks to the people on his own. Sometimes आप लोगों ने अगर किसी की presentation देखी हो, जो speech competitions होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल ही pages के ऊपर उन्होंने अपनी speech लिखी होती है, वहीं से देखकर read कर रहे होते हैं. लेकिन कुछ बहुत अच्छे speakers होते हैं, उन्होंने just points लिखे होते हैं, उनके main headings लिखी होती हैं, वो एक नज़र heading पर डालते हैं और जो भी उसके according उन्होंने present करना होता है, topic में data उन्होंने provide करना होता है, वो बता देते हैं. तो ये एक type है oral presentation की, जिसमें सिर्फ आप main main elements जो हैं उनको highlight कर लेते हैं या उनकी headings एक पेज पर लिख लेते हैं, एक नज़र उस heading के ऊपर दोहरा कर डाल कर और फिर उसको explain करते जाते हैं. सेकेंड है रीडिंग. वही बात जो मैंने आपको बताया कि कुछ स्पीकर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ रीडिंग कर रहे होते हैं. यू मेक स्लाइड्स और हैव अ कंप्लीट डॉक्यूमेंट विद यू विच यू रीड इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस. और समटाइम्स जो कुछ स्पीकर्स होते हैं, स्पीच करने वाले होते हैं, वो पूरी की पूरी जो फाइल होती है उसको उन्होंने अपने पास रखा होता है और वहीं से देखकर बस रीडिंग कर रहे होते हैं. मेमोराइजेशन. इन मेमोराइजेशन पीपल मेमोराइज कंप्लीट स्पीच बट देर इज अ रिस्क ऑफ फॉरगेटिंग. समटाइम्स कुछ लोगों का हाफजा मेमोरी इतनी अच्छी होती है कि फुल स्पीच को मेमोराइज कर लेते हैं, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि अगर हमें कोई चीज भूल जाती है तो हमारे पास कोई हेल्पिंग टूल नहीं होता जिसके जरिए से हम उसको देखकर रिवाइज कर सकें. नंबर फोर है इम्प्रोम्प्टू. इम्प्रोम्प्टू मींस अ स्पीच दैट इज मेड व्हेन समवन इज कॉल्ड अपॉन एट द लास्ट मोमेंट टू ऑफर कमेंट्स. इन स्पीच इज गिवन विदाउट प्रिपरेशन. अब ये वो होती है जब आप लोगों से ये कहा जाए कि आप लोग जो है अपना स्पीच दे दी गई है, डिलीवर कर दी गई है, उसके ऊपर आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करें या अपने कमेंट्स दें, तो ये वो आपका पार्ट आ जाता है ओरल प्रेजेंटेशन का. इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेटजीज फॉर एन इफेक्टिव ओरल डिलीवरी. जो हमारी एक ओरल डिलीवरी होती है उसकी इफेक्टिव जो स्ट्रेटजी है वो क्या है. नंबर वन इज पिच. आपकी पिच कैसी है. पिच इज हाईनेस और लोनेस ऑफ योर वॉइस. सो फॉर इम्पोर्टेंट थिंग्स वी मेक आवर पिच हाई विच शोज द ऑडियंस डैट देर इज समथिंग इम्पोर्टेंट. Therefore, use your pitch to create the dramatic effects. जब आप थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे, इट्स मीन कि आप किसी चीज़ के ऊपर एम्फोसाइज कर रहे हैं, किसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं. और जब आप थोड़ा सा स्लो बोलेंगे, इट्स मीन कि चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. मोनोटोन. लेक ऑफ पिच वेरिएशन मे रिजल्ट इन बींग कॉल्ड मोनोटोन. टू बी मोनोटोन इज वेरी बोरिंग, सो अवॉइड बींग मोनोटोनियस. तो मोनोटोन मीन्स जब आपकी वॉइस में राइज एंड फॉल नहीं होगा, मतलब कभी आप बोलते बोलते अपनी ड्यूरिंग योर स्पीच थोड़ा लाउड बोलेंगे, कभी थोड़ा स्लो बोलेंगे, तो ये एक रिदम क्रिएट होगा जो कि आपकी जो स्पीच है उसके लिए इफेक्टिव होगा, बल्कि आपकी ऑडियंस को की अटेंशन भी गेन करेगा. लेकिन आप एक ही टेम्पो में बोलते चले जाएंगे तो ये चीज़ जो है ये बोरिंग फील करवाएगी आपकी ऑडियंस को. रेट. रेट मीन्स एट विच स्पीड यू टॉक. आप किस तरह से बोल रहे हैं, बहुत तेज बोल रहे हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं. वेरिएशन इन रेट इज बेटर देन स्पीकिंग एट द सेम स्पीड. टू बी वेरी स्पीडी कैन क्रिएट अस मच प्रॉब्लम एज टू बी वेरी स्लो. ना ही आपने बहुत तेज बोलना है ना ही बहुत स्लो बोलना है. तेज बोलेंगे तो आपके ऑडियंस को समझ नहीं आएगी, कुछ बातें वो गेन कर सकेंगे कुछ नहीं गेन कर सकेंगे. अगर स्लो बोलेंगे तो वो बोर हो जाएंगे आपकी बात से. इन ऑर्डर टू बी अंडरस्टूड कीप योर स्पीड नॉर्मल. आपकी स्पीड जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए, ना ज्यादा तेजी से बात करनी है ना ज्यादा स्लो बात करनी है. वॉल्यूम. योर वॉल्यूम मस्ट बी लाउड. आपने ऊंचा बोलना है, इतना ऊंचा कि लास्ट जो सीटर है, जो लास्ट चेयर पे बैठने वाले हैं उन तक वॉइस जाए, लेकिन इतना भी ऊंचा नहीं बोलना कि आपकी जो आवाज़ है सिर्फ रूम में आपकी आवाज़ ही गूंज रही हो और वो नॉइस का प्रॉब्लम बने. यू मस्ट स्पीक इन अ वॉल्यूम इन विच यू कुड बी हर्ड क्लियरली, कि आपको क्लियरली सुना जा सके. वोकल क्वालिटी. योर वोकल क्वालिटी ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. वी हैव सीन पीपल विद गुड वॉइस मेक अ गुड इम्प्रेशन ऑन अदर्स. तो जब आपने बोलना है तो आपकी जो वोकल कैविटी है, आपकी जो वॉइस है वो क्लियर होनी चाहिए. ये नहीं कि कुछ अल्फाज आप प्रोनाउंस कर दें और कुछ जो है वो जस्ट आपके गले तक ही रहें और प्रोनाउंस ना हो सके. लास्ट वन पॉइंट इज प्रोनाउंसिएशन. आपकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन हम चेंज कर देते हैं तो उनके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं. प्रोनाउंसिएशन एरर्स अकर बिकॉज आवर प्रोनाउंसिएशन ऑफ अदर लैंग्वेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर नेटिव लैंग्वेज. देयरफॉर इट इज एक्सक्लूसिव क्लोजिबल.
बट यू मस्ट बी केयरफुल डैट योर प्रोनाउंसिएशन मस्ट नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फॉर दिस पर्पज लिसन टू द एजुकेटेड एंड कल्चर्ड पीपल ऑफ द कम्युनिटी एंड कंसल्ट द रिसेंट डिक्शनरी. तो आप जो है उस कंट्री के स्पीकर से मिल सकते हैं, उनके स्पीचेस को सुन सकते हैं, इसके अलावा आप डिक्शनरी भी कंसल्ट कर सकते हैं. ये हमारा इस टॉपिक के अंडर जो लास्ट हेडिंग है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, स्ट्रेटजीज फॉर एन इफेक्टिव नॉन वर्बल डिलीवरी. नॉन वर्बल डिलीवरी मैंने आपको वो बताई है कि एक हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन होती है, एक हमारे पास नॉन वर्बल होती है. वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जिसके अंदर हम वर्ड्स को यूज करते हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें हम वर्ड्स का यूज नहीं करते बल्कि अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं, आईज का यूज करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज करते हैं, हैंड्स का यूज करते हैं. तो ये हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है या डिलीवरी है वो किस तरह से इफेक्टिव होती है. पोस्चर, योर पोस्चर डेट हाउ यू स्टैंड और सिट इन फ्रंट ऑफ अदर्स कम्युनिकेट योर ऑडियंस कॉन्फिडेंस. कि जब आप बोल रहे हैं तो आप अपनी ऑडियंस के सामने किस तरह से खड़े हैं, और ये चीज जो है आपके कॉन्फिडेंस लेवल को शो करती है. व्हेन यू स्टैंड स्ट्रेट एंड बैलेंस्ड इट गिव्स द इम्प्रेशन ऑफ कंप्लीट कंट्रोल ऑन योर सेल्फ. तो अगर आप स्ट्रेट खड़े हैं, बैलेंस के साथ खड़े हैं, इस मीन कि आप फुली कॉन्फिडेंट हैं, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप अपनी बात को आगे कन्वे कर सकें. सेकेंड इसके अंदर हमारे पास आ जाता है मूवमेंट्स. मूवमेंट्स वाइल प्रेजेंटेशन गिव मैनी मैसेजेस. फॉर एग्जाम्पल यू मूव टू होल्ड अटेंशन ऑफ द ऑडियंस. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं और लेक्चर के दौरान वो मूव कर रही हैं क्लास में, कभी मतलब स्टूडेंट किसी एक स्टूडेंट की तरफ चले गए या वैसे ही क्लास में राउंड ले लिया, तो इस तरह से आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपकी तरफ अटेंशन देते हैं, वो आपकी तरफ हो जाते हैं, वो देखते हैं कि वाकई अब हमें अटेंशन पे करनी है. तो इसी तरह से जब आप मूवमेंट करने का मकसद ही यही होता है कि अपनी ऑडियंस की अटेंशन को गेन कर सकना. टू गेट राइट ऑफ नर्वसनेस. और समटाइम्स मूवमेंट का मतलब यही होता है कि आप कुछ नर्वस हो रहे हैं, आपने उस नर्वसनेस को कंट्रोल करना है. यू मूव टू इंक्लूड सम डिटेल्स, यू मूव टू इंक्रीज एम्फोसिस. और समटाइम्स आप लोग इसलिए भी इम्प्रूव करते हैं कि आपने चीज़ों को ऊपर ज्यादा एम्फोसिस करना है, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना होता है. यू मूव टू पॉइंट आउट समथिंग रिटन ऑन बोर्ड और टू सम विजुअल मटीरियल. और समटाइम्स आप इसलिए भी मूव करते हैं कि आपने कोई चीज व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखनी होती है या कोई विजुअल मटेरियल पड़ा हुआ है तो आपने उसको उठाकर प्रेजेंट करना होता है या दिखाना होता है. तो मूवमेंट काफी सारे मीनिंग्स में आ जाती है. जेस्चर्स, योर जेस्चर्स आर एनी मूवमेंट ऑफ द हैंड्स, आर्म्स, हेड्स, शोल्डर्स. द स्टडी ऑन बॉडी मूवमेंट्स इज अ साइंटिफिक स्टडी कॉल्ड किनेसिक्स. अब देखें कि जेस्चर्स होते हैं, हम लोग समटाइम्स अपने हैंड से जेस्चर कोई ना कोई शो कर देते हैं. हमने किसी को हैंड शेक कर दिया, ये भी एक जेस्चर है. हमने किसी की तरफ उंगली कर दी, उसको पॉइंट आउट कर दिया. हमने किसी को खड़ा करना है तो हम हाथ की मूवमेंट ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, इट्स मीन कि हम कह रहे हैं कि स्टैंड अप. अगर हम किसी को बिठाना चाह रहे हैं तो हम अपने हाथ को डाउनवर्ड करते हैं, तो इट्स मीन हम उसे कह रहे हैं कि सिट डाउन. तो ये जो हमारी मूवमेंट है ये डिफरेंट मीनिंग्स दे रही होती है. Your gestures also help in conveying the meaning of your message. ये जो आपके gestures होते हैं ये आपके meaning convey करने में आपके लिए helpful होते हैं. Facial expression, your facial expressions convey your inner feelings. आपको जो inner feelings होती हैं, आपका guilt है, आपकी happiness है, आप angry हैं, आप sad हैं, ये आपके face से show हो जाता है. आपको अपने words pronounce करने की जरूरत नहीं पड़ती. You must not only feel but show interest in your ideas. Facial expression also include eye contact. अब facial expression में आपके eye contact जो हैं वो भी शामिल होते हैं. Eye contact के जरिए से हम बहुत सी चीज़ों को जज कर लेते हैं. नेक्स्ट है अपेयरेंस. आपकी अपेयरेंस कैसी है. योर अपेयरेंस ऑल्सो टेल्स द ऑडियंस अबाउट योर मेंटल कंडीशंस एंड योर प्रिपरेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन. अब आपकी जिस तरह से अपेयरेंस है, किस तरह से आप तैयार हो गए हैं, इसके जरिए से आपकी ऑडियंस जज कर लेती है कि आपके मेंटली क्या कंडीशन है और आपकी प्रेजेंटेशन किस हद तक प्रिपेयर हो चुकी है. योर अपेयरेंस इंक्लूड योर ड्रेसिंग स्टाइल, योर टाइटनेस, हेयर स्टाइल,
एक्सेट्रा, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल, आपने ड्रेस कैसा पहना हुआ है, शू पहने हैं तो क्या शूज अच्छे तरीके से पॉलिश किए हुए हैं, टाई सही तरीके से लगाई हुई है, अगर गर्ल्स हैं तो उन्होंने दुपट्टा किस तरह से कैरी किया हुआ है या स्टॉलर किस तरह से कैरी किया हुआ है, किस स्टाइल से बाल बांधे हुए हैं या उन्होंने खुले छोड़े हुए हैं, तो ये तमाम चीज जो है ये आपके अपेयरेंस शो कर रहे होते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड सम ऑर्गेनाइजेशंस हैव अ स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड। अब किसी हम जॉब की बात करें तो वहां पर जो है फिक्स ड्रेसेस होते हैं जो कि एक एम्प्लॉय को वेयर करने पड़ते हैं। लास्ट वन हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है प्रोटियोमिक्स। प्रोटियोमिक्स मीन्स द पर्सनल स्पेस द स्पीकर नीड्स बिटवीन हिम एंड द ऑडियंस और लिसनर द इफेक्ट द कंफर्टेबिलिटी ऑफ द प्रेजेंटर। अब देखें कि इसका मतलब है द स्पेस बिटवीन द स्पीकर एंड द लिसनर। अब जब हम लोग अपने किसी जानने वाले फ्रेंड या फैमिली मेंबर के साथ बात कर रहे होते हैं तो हम उनके बहुत क्लोज खड़े होकर भी बात कर लेते हैं, लेकिन कोई स्ट्रेंजर होता है, कोई अजनबी होते हैं तो हम उनसे थोड़े से फासले पर खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। तो ये चीज भी शो करवाती है कि आप कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हैं तो किससे किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी अपने जानने वाले को, नॉन पर्सन को या किसी स्ट्रेंजर को। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा।